इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15,000 से 20,000 प्रतिवर्ष की आय भी होगी और हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेविजन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।